तो गाइस यार फ्री फायर के बारे में तो यार आज के टाइम पे सभी लोग जानते हैं, लेकिन गाइस यार कभी क्या तुम लोगों ने सोचा है फ्री फायर अर्न कैसे करता है? गाइस यार सब लोग कहते हैं कि फ्री फायर से अर्न कैसे करें, लेकिन गाइस यार आज हम लोग यार बात करने वाले कि गरेना फ्री फायर कैसे अर्न करता है। काफी सारे लोग कहेंगे कि यार वो अपने टॉप अप से कमा लेता है, एंड जिनको टॉप अप के बारे में नहीं पता तो यार बेसिकली यार वो इन गेम परचेज होती है टॉप अप, बट यार अदर वे से ज्यादा कमाते हैं एज कम्पेयर टू टॉप अप से। एंड जो भी यार ऐसे टाइप के गेम होते हैं जैसे पबजी या फिर बीजीएमआई या फ्री फायर, यार वो उनके पास यार अदर सोर्सेस बहुत बड़े होते हैं जिनसे वो अर्न करते हैं। तो गाइस यार जिनको यार पता करना है कि पबजी मोबाइल कैसे कमाता है तो उनके लिए आई बटन पे वीडियो आ रही है, देख सकते हो। तो यार मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं तुम लोग को प्ले स्टोर अर्निंग या फिर प्ले स्टोर डाउनलोड अर्निंग यार ये सब मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि यार जब भी हम लोग प्ले स्टोर से कोई भी ऐप गेम डाउनलोड करते हैं तो यार उसके जो ओनर है या फिर जो उसका डेवलपर है उसके पास कुछ मनी जाता है, एंड कुछ मनी यार प्ले स्टोर भी रखता है, एंड सो यार ये अर्निंग यार बहुत ज़्यादा कॉमन है इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा। तो गाइस यार वीडियो को यार फटाफट लाइक कर दो, सो चलो यार फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार पॉइंट नंबर वन, टूर्नामेंट। अब यार लोग कहेंगे कि यार टूर्नामेंट में तो इनको उल्टा मनी देनी पड़ती है, तो मनी आती कहाँ से है? तो यार उसका रीज़न है स्पॉन्सरशिप। तो यार मैं तुम लोग को एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे आईपीएल तो सभी लोग जानते हैं, तो उसमें मेन अर्निंग यार आईपीएल की टिकट से नहीं होती, बट उनका मेन अर्निंग सोर्स है जो कि है स्पॉन्सरशिप। एंड सेम टू सेम यार फ्री फायर के टूर्नामेंट में भी यही होता है, एंड कंपनीज लाइक यार एसुस रॉज यार ये सब स्पॉन्सर करती है फ्री फायर के टूर्नामेंट्स को। एंड समटाइम यार जो कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स होते हैं यार ई स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं यार उनको बोला जाता है कि एसुस के रॉज में ही तुम लोग को पूरा टूर्नामेंट खेलना है, उन पर भले ही यार आईओएस का या फिर कोई एप्पल का डिवाइस हो लेकिन तब भी उनको खेलना पड़ेगा एसुस के रॉज से। एंड यार अदर साइड यार एसुस रॉज की पब्लिसिटी हो जाती है, एंड जो अदर गेमर्स होते हैं यार वो एसुस रॉज को बाय कर लेते हैं। गरेना फ्री फायर का जो भी टूर्नामेंट में मनी गिविंग या फिर जो भी उनका ऑर्गेनाइजिंग में जो भी मनी लगा है यार वो सब रिकवर हो जाता है, एंड प्लस उनको और बेनिफिट हो जाता है। सो पॉइंट नंबर टू, क्रॉसओवर इवेंट्स। ऐसे में पबजी मोबाइल यार फ्री फायर भी क्रॉसओवर इवेंट्स करता है, एंड क्रॉसओवर इवेंट्स यार हर गेम करता है, फोर्टनाइट ले लो, पबजी ले लो या फिर फ्री फायर को ही ले लो। सो फ्री फायर ने भी बहुत सारे क्रॉसओवर इवेंट्स करे हैं, जैसे अटैक ऑन टाइटन, वन पंच मैन एंड स्ट्रीट फाइटर साथ भी किए हैं, एंड दोनों पार्टीज को यार फायदा होता है कि यार फ्री फायर को भी प्रॉफिट होता है, एंड जो भी यार जिसके पास क्रॉसओवर इवेंट किया है उसको भी बेनिफिट होता है। जो भी यार वन पंच मैन के जो भी फैंस होंगे यार वो आएंगे फ्री फायर में, एंड फ्री फायर में जो भी वन पंच मैन का सेट है उसको परचेज करेंगे, फ्री फायर की अर्निंग बढ़ेगी। एंड इन रिटर्न यार जो भी यार अदर गेमर हैं जिनको वन पंच मैन के बारे में नहीं पता उनको भी पता लग जाए कि वन पंच नाम की भी कोई एनिमे सीरीज होती है। एंड ऑल्सो जो भी यार एनिमे या फिर कोई भी क्रॉसओवर जिसके साथ इवेंट कर रहे हैं यार वो फ्री फायर को मनी भी देती है। सो समझ लो यार डबल डबल प्रॉफिट, या न्यू कस्टमर भी आ गया एंड उनको मनी भी मिल गया एक्स्ट्रा। सो पॉइंट नंबर थ्री है कोलैबोरेटिव। सो फ्री फायर में अलग अलग काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि रोनाल्डो एंड ऋतिक रोशन। यहाँ पर थोड़ा सा काम उल्टा होता है, जैसे गरेना फ्री फायर रोनाल्डो या फिर ऋतिक रोशन को पैसा देती है, उनके साथ कोलैबोरेट करके न्यू स्किन्स या फिर आउटफिट निकाल के मनी अर्न करती है। अब जैसे जो भी रोनाल्डो या फिर ऋतिक रोशन के फैंस होंगे वो फ्री फायर में आएंगे, अगर उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर आउटफिट है तो यार वो उसको डेफिनेटली परचेज करेंगे। इस तरीके से यार वो ऑन अर्न करता है यार, मनी दे के न्यू यूजर लेकर आता है एंड उनसे अर्न करता है। तो इस पॉइंट के काफ़ी सारे लोग विट करेंगे जो कि है माइक्रो ट्रांजेक्शन या फिर कह सकते हो इन गेम परचेजेस। तो आजकल यार हर एक ऑनलाइन गेम में इन गेम परचेजेस होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग करेंसी होती है। पबजी में यूसी, बीजीएमआई यूसी एंड फ्री फायर में डायमंड्स होते हैं, एंड उन डायमंड्स का यूज़ करके लोग इलाइट पास खरीदते हैं एंड अदर स्किन्स बंडल्स खरीदते हैं, एंड इन गेम परचेजेस एक बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है इनकम का। सो आवर लास्ट पॉइंट इज प्ले स्टोर गिफ्ट कार्ड। हमें कोई भी यार अगर हमें डायमंड चाहिए या फिर हमें यूसी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को प्ले स्टोर से चाहिए होगा एक गिफ्ट कार्ड। उस गिफ्ट कार्ड का यूज़ करके हम लोग डायमंड या फिर यूसी खरीद सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी यार गिफ्ट कार्ड या यूसी या फिर डायमंड परचेज के लिए प्ले स्टोर से गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं तो उसका कुछ परसेंट यार प्ले स्टोर फ्री फायर को देता है। तो फिर से यहाँ पे डबल प्रॉफिट, एक तो यार डायमंड परचेज किया उसका प्रॉफिट मिला, एंड प्ले स्टोर से जो भी उनको कमीशन मिला उसका भी प्रॉफिट मिला। एंड या फिर हम लोग यहाँ से थर्ड पार्टी कोई और ऐप से यूसी परचेज करते हैं या फिर डायमंड परचेज करते हैं तो उसका भी कमीशन या फ्री फायर या फिर पबजी को मिलता है। सो गाइस यार बस यार आज की वीडियो बस इतना। सो गाइस यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर फिर भी तुम लोग कोई डाउट्स हो अगर वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं तुम लोग को रिप्लाई कर दूंगा। एंड कोई टॉपिक पे तुम लोग को वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। सो गाइस यार फिर अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए शांति बरकरार रखें।